तो चंद्रगुप्त, तुम कहना चाहते हो कि तुम पिपलीवान तक पहुंच गए थे? जी सम्राट, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि किस प्रकार आपके शौर्य के आगे उस राज्य के सभी अवशेष धराशाही है और नष्ट हो चुके हैं। मैंने स्वयं देखा है कि किस प्रकार आपने उस राज्य को अपने अधीन करने के लिए वर्षों पूर्व उसे रक्त रंजित कर दिया था। जो राज्य कभी अपने गौरव के बल पर सिर उठाए जीता था, आज आपके वर्चस्व के समक्ष वो नतमस्तक है। आज वो केवल मिट्टी के कण समान है। महामहिम, असत्य बोल रहा है दास। शामदेव, सम्राट को सूचित करो। सम्राट ये झूठ बोल रहा है, ये पीपली वन तक पहुंच ही नहीं पाया था, हमने स्वयं देखा था। ये उस भयानक जंगल की ओर चला गया था जहाँ से किसी मनुष्य का जीवित आना असंभव है। हो सकता है ये उस भयानक जंगल से निकल गया हो, किंतु पीपली वन पहुँचने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सम्राट चंद्रगुप्त, देखा तुमने पीपली वन का सुरक्षा प्रमुख कितने विश्वास के साथ कह रहा है कि तुम झूठ कह रहे हो। और यदि मैं अपने वचन को प्रमाणित करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण दूं तो पीपली वन के राज्य तक ही नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा चक्र को तोड़कर मैंने उस महल में भी प्रवेश किया था, जिसका प्रमाण है मेरे पास। क्या हुआ दास? ये है पीपली वन के राज परिवार का चित्र जो मुझे उस दुर्गम महल में मिला था, और इसकी प्रमाणिकता ये दासी बोरा दे सकती है। चंद्रगुप्त सही कह रहा है, चंद्रगुप्त पीपली वन गया था, अवश्य गया था, इसमें कोई संदेह नहीं। इस चित्र में तुम्हारे सुखी दिनों का प्रतिबिंब है पूरा, है ना? दे दो ये चित्र इस दासी को ताकि ये अपने दुर्भाग्य और अपने परिवार की खोई हुई यादों में कुछ अश्रु बहा सके। दे दो चंद्रगुप्त, जाओ। Thank you.
झूठ क्यों बोला आपने? जानती थी ना आपकी सत्य क्या है? ये कंगन आप ही का है ना? मैं आप ही का पुत्र हूं ना? फिर भी आपने इस सत्य को मुझसे दूर क्यों रखा? आपने मेरी चिंता की, मुझे भोजन खिलाया, मेरा ध्यान रखा, मेरे लिए अपने प्राण दांव पर रखा दिए। ये दास सरासर झूठ बोल रहा है। वो हीरा इसने नहीं मैंने चुराया था। और इन अनगिनत क्षणों में एक भी क्षण ऐसा नहीं आया जो आपको आभास नहीं हुआ कि अब आपको मुझे सत्य बता देना चाहिए कि मैं आपका पुत्र हूं। चंद्रगुप्त मेरे क्या कह रही थी आप? कैसे कैसे इतनी निर्दयी हो सकती है आप? क्या आपके हृदय में मेरे लिए कोई भी भावनाएं नहीं है? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अब जब मैं सब कुछ जानता हूं, आपके सामने खड़ा हूं और आपसे ममता की भीख मांग रहा हूं, फिर भी आप मुझे अपना पुत्र नहीं मान रही है? क्यों? क्या बोल रहा है ये दास? कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, यदि आप इस प्रकार अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करेंगी तो मैंने भी ठान लिया है कि अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि आप बाध्य हो जाएंगी मुझे अपना पुत्र स्वीकार करने के लिए। और ये मेरा वचन है। दास, क्या कह रहा था तुम्हें? मुझे नहीं पता वो क्या कह रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। और क्यों दूं ध्यान? मेरे लिए एक साधारण दास का कोई अर्थ नहीं है। अब जाओ यहां से, मुझे कुछ क्षण अपने परिवार के साथ एकांत में बिताने दो। चुनौतियां लेने में बड़ा आनंद प्राप्त होता है ना उस दास को। अब मैं उसे दूंगी उसके जीवन की वो चुनौती जो उसके पतन का कारण बनेगी और जिसके लिए वो मना भी नहीं कर सकेगा। ये सब क्या हो रहा है? राजकुमारी सुनिए तो सही। जब तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिल जाता जो मुझे पुष्प ला कर दे, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे वो पुष्प चाहिए। किंतु राजकुमारी, किसी भी मनुष्य के लिए कार्य असंभव है और अगर किसी ने भी प्रयत्न किया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ये क्या हो रहा है शिप्रा? किसी ने राजकुमारी के सामने एक दुर्लभ पुष्प का वर्णन किया है और अब उन्हें वही पुष्प चाहिए। ये है वो दुर्लभ नवरंगी पुष्प जिसका वर्णन मैंने सुना और इसका स्थान उस बेल पर नहीं, यहां मेरे कक्ष में है। किंतु राजकुमारी, इसमें बड़ा संकट है।
इससे अधिक संकट तो तब होगा जब मैं इस पुष्प के लिए स्वयं को आहत कर लूंगी। दास, मैंने बहुत सुना है कि चुनौतियां तुम्हें उत्साहित करती है। यदि यह दिखावा नहीं और सत्य है तो तुम्हें मेरे लिए वो पुष्प लेकर आना ही होगा। उचित है, मैं वो पुष्प लेकर आऊंगा। यह है वो दुर्लभ पुष्प जो साल में सिर्फ एक बार एक माह के लिए खिलता है। अपने आप में सिर्फ ये एक ही है, दुर्लभ और विशेष, बिल्कुल मेरी तरह। राजकुमारी जी, मेरे विचार से इसे प्राप्त करना असंभव है। क्यों? ये है ना मेरे भाई का प्रिय, मेरा अंगरक्षक चंद्रगुप्त, जो असंभव कार्य को संभव करने में दक्ष है। क्यों चंद्रगुप्त? भाग गया। मेरे भाई से कहना कि चंद्रगुप्त डरपोक निकला और डर के कारण भाग गया। राजकुमारी, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं भयभीत हो सकूं, और इस असंभव कार्य को संभव करके मैं आपको दिखा दूंगा। बड़ा आया था असंभव कार्य को संभव बनाने। चुप चुप हो जाओ और जाकर ढूंढो उसे। शिप्रा, तुम तो जानती हो मैं ये नहीं करना चाहती थी। मैं उसे नहीं मारना चाहती थी, मैं तो बस उसे सीख देना चाहती थी, उसे सबक सिखाना चाहती थी। तुम तो जानती हो मेरी मनशा ऐसी नहीं थी। शिप्रा, दास भाली स्वयं को राजकुमारी सैनिक गए ना उन्हें ढूंढने, अवश्य बचा के ले आएंगे। क्षमा करें राजकुमारी, जल का प्रभाव बहुत तेज है। अगर उसे तैरना आता भी होगा तो भी वो इससे बच नहीं सकता। हमें लगता है वो मर गया होगा। मैंने बहुत सुना है कि चुनौतियां तुम्हें उत्साहित करती है। यदि यह दिखावा नहीं और सत्य है तो तुम्हें मेरे लिए वो पुष्प लेकर आना ही होगा। मैं वो पुष्प लेकर आऊंगा। आप सभी को यहाँ एक दुखद समाचार देने के लिए एकत्रित किया है। मेरा वो दास चंद्रगुप्त, मेरी लाडली बहन के लिए वो दुर्लभ पुष्प नहीं ला पाया जिसकी इच्छा मेरी लाडली बहन ने की थी। और वो चंद्रगुप्त राम 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 सिधार गया। वैसे दास का जन्म तो होता ही है सम्राट के लिए सेवा करते करते मरने के लिए, किंतु ना जाने क्यों उस दास से एक विचित्र सा लगाव हो गया था। अच्छा खिलौना था, मनोरंजन का बढ़िया साधन,
नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। अंतिम आज भी छीन ली, तो मेरा पुत्र भी छीन लिया। मेरा पुत्र मेरे जीवन की डोर था, मेरा विश्वास था, मेरा पुत्र छीन लिया। काश मैंने तुम्हें बता दिया होता चंद्र, काश हृदय से लगा लिया होता। ये तुम सदैव मुझे ऐसे क्यों डांटती रहती हो, जैसे कि तुम मेरी माँ हो। ये कंगन आप ही का है ना, मैं आप ही का पुत्र हूं ना, फिर भी आपने इस सत्य को मुझसे दूर क्यों रखा? काश, काश मैं तुम्हें और संसार को चीख चीख कर बता पाती कि तुम ही हो मेरे पुत्र, पीपलीवान का राजकुमार, मौर्य वंश का अंतिम वंशज चंद्रगुप्त मौर्य। जो सत्य इतने वर्षों से आपके मन में छिपा रहा, आज उसे मुक्त कर दो मां। बता दो मुझे, मैं यही हूं आपके पास।
हरिश्चंद्र को उठा के लेके गए। ये सब मेरे निर्देश पर ही हो रहा, क्योंकि रक्त हो या दूध, यदि असमय खोले तो स्वयं अपना ही नाश करता है, और मैं चंद्रगुप्त को नष्ट नहीं होने दूंगा। क्या मुझे उस व्यक्ति को जीवित छोड़ देना चाहिए जिसने मेरे पिता की हत्या, मेरी माँ को वर्षों तक अपनी दासी बनाकर रखा? खगानंद, तेरा काल बनकर आ रहा हूँ मैं।